बिल्कुल कांग्रेस ने देर नहीं की, इन लोगों ने देर किया है, ये धोखे में रखा गया। यह तय हुआ था कि सब मिलके एक कॉमन कैंडिडेट लाया जाएगा और वो किसी एक किसी संस्था से जुड़ा नहीं होगा, किसी एक आइडियोलॉजी से जुड़ा नहीं होगा, वो देश हित में काम करेगा जो ऐसा सम्मान होगा। उन्होंने लाके एकदम से बिहार के गवर्नर साहब को रख दिया, वो बिल्कुल ये अपने ताकत के जोम में उन्होंने ये किया है। ये मेरे हिसाब से राष्ट्रपति ऐसा पद होता है जो सबको लेके, हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें सैकड़ों जबानों के लोग रहते हैं, सैकड़ों संस्थाओं के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं, आस्था के लोग रहते हैं, इनको सबको लेके चलने के लिए बड़ी सोच की जरूरत थी। मेरे हिसाब से जल्दबाजी में अपने ताकत के जोम में नरेंद्र मोदी साहब ने, अमित शाह ने इसको मतलब इनको कर दिया। नहीं तो लेकिन आपसे भी तो मुलाकात हुई थी, तब तो आपसे पूछा गया था कि आपके पास कोई नाम हो तो आप बता दीजिए, तब तो आप लोगों ने कोई नाम नहीं बताया था। देखिए ना नाम देखिए ऐसा इस पे धोखे में रखा गया, ना नाम उन्होंने बताया ना इन्होंने बताया, ये तय हुआ सब मिलकर तय किया जाएगा नाम, ये हुआ था। ठीक है, विंध्यवासिनी जी क्यों धोखे में रखा गया आपकी तरफ से? और एक उन्होंने एक तरफ से इन्होंने जाके उन्होंने रख दिया कि देखिए शेड्यूल कास्ट एक हम रखे दे रहे हैं सामने लाके आइए, उसके बाद अब मीरा कुमारी जी लाई गई हैं। मीरा कुमार जो है हिंदुस्तान की बड़ी नेता हैं। ठीक है, उनके मुकाबले में इनका बहुत बड़ा कद है। हाँ,